हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा प्रयागराज से और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जो है वीडियो जो दे रहे हैं वो है रियल ब्राइडल की। इसमें ब्राइडल मेहंदी रहेगी और काफ़ी कुछ इसमें हम मेहंदी से जुड़ी हुई चीज़ें बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी है, लगभग 25 मिनट की है, लेकिन ये वीडियो रियल में जो बनी थी वो लगभग 1-1.5 घंटे की बनी हुई थी, तो मैंने इसको जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई है, थोड़ा सा 20 से कुछ स्टेप्स काटे हैं, जहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ को यहाँ से हटाया है, ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटी हो सके, ताकि आप भी बोर ना हो और मुझे भी अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको डिज़ाइन याद हो, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करूं, क्योंकि जब आप रेगुलर कोई काम करते हो, डेली करते हो, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, लेकिन अगर आप डेली नहीं करते हो तो दिमाग से डिज़ाइंस वगैरह निकल जाती हैं, ठीक है। तो जब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी मेहंदी डिज़ाइन को देख कर बनाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी क्योंकि अब क्या है, क्लाइंट खुद मेहंदी डिज़ाइन लेकर आते हैं, तो कहाँ से निकालते हैं, गूगल से। तो यहाँ पे जो भी मेहंदी डिज़ाइन लगी हुई है वो मेरी क्लाइंट की पसंद की लगी हुई है, उन्होंने जो डिज़ाइन दिखाई है वही लगी हुई है। ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो ज़्यादातर अब यही होने लगा है कि जो क्लाइंट बोलता है वही करना पड़ता है आपको, अपने से कोई नहीं, क्योंकि बाद में ये होता है कि आप अपने हिसाब से लगाओ और उनको ना पसंद आए, तो इससे अच्छा है कि पहले आप ये क्लियर कर लो कि आपको ये जो है मेहंदी डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप मेहंदी डिज़ाइन लगवाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा घनी नहीं लगवाएं, बहुत ज़्यादा घनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बीच में हल्का हल्का स्पेस होना चाहिए। इससे जो है अगर आप इसकी फ़ोटो भी खिंचवाओ तो भी अच्छी आती है, अगर बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है तो फ़ोटो वगैरह बिल्कुल नहीं आ पाती है, उसमें ब्लर होने लगता है और फोटो बहुत क्लियर नहीं आती, बिल्कुल पूरा ही है छाप जैसा लगता है, तो वो उतना खूबसूरत नहीं लगता। थोड़ा सा स्पेस होता है तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेहंदी कोन आपने लिया हुआ है उससे थोड़ा सा, कम से कम आधा चम्मच कितनी आपको मेहंदी निकाल लेनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो कोन होगी, क्योंकि कल जो पैर वाली वीडियो अपलोड की थी तो उसमें कोन सही चल नहीं थी, जिसकी वजह से बार बार हाथ छोड़ रही थी तो डिस्टर्ब हो रहा था और फिनिशिंग भी उतनी अच्छे से नहीं आती है। तो वही आज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कल काफ़ी लेट हो चुका था तो जिसकी वजह से मैं वॉइस नहीं कर पाई थी, तो इसलिए आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। तो और अगर आप लोग चाहती हैं कि मेहंदी में एक्सपर्ट बने तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना होगा। अपना हाथ आपको डेली, आप ये सोचो कि एक मेहंदी तो डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बनाना ही होगा, क्योंकि हाथ क्या होता है, एक तरीके से जाम हो जाता है। आप सोचो, खुद ही सोचो कि अगर कोई भी चीज़ आप रख दो, कोई भी आप मशीन ही रख दो, उसको कुछ मत करो, तो वो जाम हो जाती है। उसी तरीके से हमारा हाथ होता है, अगर वो मूवमेंट करता रहता है तो बहुत अच्छा चलता है, अगर आपने उसको जो है छोड़ दिया कि आप सोच लो कि मुझे मेहंदी आ गई क्या मैं करूं, तो वो बात नहीं रह जाती है जो रेगुलर करने में होती है। तो यह सभी के साथ लागू होती है और हर काम में लागू होती है, जो आप काम डेली करते हो वो हाथ आप आँख मूंद कर भी करो तो वो चीज़ें चलती हैं अच्छे से, हाथ भी आपका साथ देता है। तो मैं आप जिन लोग जो लोग मेहंदी शौकीन हैं, लगाना चाहती हैं, लगाती हैं, उन लोगों के लिए यही चीज़ मैं बोलूँगी कि अभ्यास हमेशा करती रहें, प्रैक्टिस करती रहें। और डिज़ाइन याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, देखकर आप बनाइए। और यहाँ पे हाँ, कुछ चीज़ें मैंने हटाई क्योंकि कहीं कहीं वीडियो थोड़ा सा बनने में दिक्कत हो रही थी, और ये वीडियो लगभग 4 से 5 घंटा लगा था हाथ पैर में लगाने में, क्योंकि अकेले लगा रही थी मैं, इसलिए नहीं बैठी क्योंकि अभी शादी सीजन का समय चल रहा है, अगर दोनों लोग लगाने लगेंगे तो बाकी क्लाइंट को वापस जाना पड़ता है, अभी दो ही लोग हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मेहंदी लगाने नहीं बैठी, यही लगा रही। तो दूसरी चीज़ ये भी होता है कि दो लोग लगाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है दो लोगों के लगाने के तरीके में, ठीक है, फिनिशिंग में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश यही रहती है कि जो है एक ही लोग लगाएं, अगर दोनों लोग का हाथ एक जैसा है, फिनिशिंग बहुत उसी तरीके की है, तो दो लोग साथ में लगा सकते हैं। और इससे भी अच्छी आप मेहंदी लगा सकती हैं अगर आप प्रैक्टिस करती हैं तो, क्योंकि ये हमारी स्टाफ
हैं ही लगाती हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिस इनकी नहीं हो पाती क्योंकि उतना वक्त नहीं मिलता है। तो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका हाथ अच्छा चलेगा। बस यही कुछ आप लोगों को बताना था। और आप लोग काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि ब्राइडल जो है वो मेहंदी हम सिखाएँ बताएँ, तो कोशिश यही है। बाकी मुझे टाइम नहीं मिलता है और आगे भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मेहंदी का जो है स्पेशली बनाऊँगी। हाँ, लेकिन बीच बीच में तो आपकी ज़रूरत भर की वीडियो जाती रहेगी मेहंदी की। और बाकी मेहंदी के लिए मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं खुद ही छूट गया है। कल मुझे इनके हाथ में, जैसे कि मैं इनको बता रही थी अपने स्टाफ को कि इतना बड़ा लिखो, तो वो या तो छोटा लिख रहे थे या तो बड़ा, तो मैं जो चाह रही थी वो मेरे हिसाब से नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा ठीक है मैं लिखती हूँ। और मैंने जब कोन पकड़ा ना तो मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था। वो इसलिए क्योंकि नाम लिखना था, पहले चीज़ स्पेलिंग बनानी होती है, स्पेलिंग को थोड़ा सा लिखना होता है, तो वो थोड़ा सा स्टाइलिश लिखना होता है। और उसके साथ मेहंदी आगे लग चुकी थी हाथों में उठा के, और मैं पता नहीं क्यों मेरा हाथ से मेहंदी निकली नहीं रही थी। और फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने हाथ में निकाल लेती हूँ मेहंदी, फिर मैं करती हूँ। तो फिर जाके मेरा हाथ निकला और उस पे ऊपर तो निकली नहीं रहा था। तो मैं खुद ही एकदम शॉक्ड थी कि क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ, तो मेरे हाथ से मेहंदी नहीं निकल रही थी। तो सोचो कि यही चीज़ें होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे शौक है मेहंदी लगाने का, पर समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादातर अब मेहंदी नहीं लगाती हूँ क्योंकि समय नहीं रहता। और जब भी लगाने बैठती हूँ फुल कंप्लीट मेहंदी हो नहीं पाती है, तो इस वजह से मैं बहुत कम लगाती हूँ। लेकिन शौक बहुत है, आगे देखती हूँ कभी टाइम मिला तो लगाती रहूँगी। इसलिए मैं ब्राइडल को नहीं लगाती क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है इतना लंबा, मतलब दो दो ढाई ढाई घंटे लगाना। और फिर अगर मैं मेहंदी लगा लूँगी तो मेरा हाथ उतने से ही दर्द होने लगता है, फिर जो है क्या होगा कि फिर कुछ और काम नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं नहीं मेहंदी लगाती हूँ। तो यही मैं आपको बोलूँगी कि अगर जब भी आपको, जैसे आपने किसी ब्राइडल का बुकिंग लिया हुआ है, तो थोड़ा सा एक दिन पहले अपने हाथों से थोड़ी बहुत मेहंदी लगा कर प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि जो अंगूठा होता है, उंगली होती है, दोनों दर्द करने लगती हैं अगर आप अचानक से कोई काम करो। आपको विश्वास नहीं होगा, पहले दिन जिस दिन जब शादी सीजन स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन मैंने पूरा दिन लगभग 12 बजे से मैं खड़ी हो गई थी काम करने के लिए। लगातार फेशियल, ब्लीच और ब्राइडल प्री ब्राइडल था और बहुत सारी चीज़ें थी, हेयर कट, थ्रेडिंग, सब कुछ टोटल। तो करते करते 12 से मैं खड़ी हुई थी, लगभग रात को 9 बज गया था। और उस दिन मेरी जो हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि इतने कोरोना जब से आया था तब से इतना लंबा काम नहीं किया हुआ था, तो पूरे कमर में तो बिल्कुल मैं झुकी नहीं पा रही थी कमर से, और बिल्कुल पैर तो उठ ही नहीं रहा था। वो पहला दिन था। और आज अब मैं 12 से रात को 10 बजे तक खड़ी होती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार हो चुकी है, उसे आदत पड़ गई है। ठीक है, तो इस वजह से जब भी कुछ आप करना चाहो तो एक दिन पहले उसको अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। तो ये चीज़ें थी। एक एक चीज़ मैं और जो है मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो में, वैसे मुझे वैसे कमेंट नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन दो लोगों ने कमेंट किया। एक लोगों ने कल ये कमेंट किया मेहंदी के ऊपर कि ये अरेबियन ब्राइडल मेहंदी है। देखो, मैंने ये बताया आपको कि ये ब्राइडल मेहंदी है, ये नहीं बताया किस टाइप की है। ठीक है, टाइप नहीं बताया क्योंकि बहुत टाइप की मेहंदी लगती है। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ को हमें नहीं लगता कि आपको ये चीज़ बोलने की ज़रूरत है और हमें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना सभी जानता है कि कौन सी अरेबियन मेहंदी है कौन सी नहीं। वो अरेबियन भी मेहंदी थी, उसमें मिक्स था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आजकल लोग बहुत हैवी नहीं लगवाते हैं और बहुत अरेबियन नहीं, दोनों को मिक्स करके लगाते हैं तो अच्छा लगता है। कल वाली पैर की आप लोग बताइए क्या वो ब्राइडल मेहंदी नहीं थी, वो ब्राइडल थी। अरेबियन टाइप उसका पैटर्न जो था वो अरेबियन था। ठीक है, बाकी उसको ये नहीं बोल सकते कि वो उस ऐसा नहीं है कि उसके साथ अरेबियन नहीं लगाएंगे तो वो ब्राइडल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कोई मतलब नहीं था जो जो कल कमेंट की थी, क्या नाम था मुझे नहीं मालूम है। और आज से लगभग 10 दिन पहले एक लोगों ने मेरे O3 की ब्लीच जो मैंने की हुई थी उस पे कमेंट किया था कि ब्लीच को 10 से 15 मिनट नहीं किया जाता बल्कि 4-5 मिनट किया जाता है। तो
मैं उनको और सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो है बिना बहुत अच्छी नॉलेज के, जानकारी के, मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ जब तक मैं खुद 100% श्योर नहीं होती हूँ। और ब्लीच फेशियल तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो डेली करती हूँ तो उसको याद करने की या मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और रही बात तो वो जो बता रही थी, तो O3 की ब्लीच आप उठाकर देख लीजिएगा, उसकी बॉक्स में लिखा हुआ है 10 से 15 मिनट इसे रखना है। और दूसरी चीज़, अगर इस हमें इतनी नॉलेज है कि क्लाइंट की स्किन टाइप क्या है उस हिसाब से हमें काम करना है, अगर क्लाइंट की नॉर्मल स्किन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कितने मिनट ब्लीच रखने की, ब्लीच का कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है कि आप इसके ऊपर इतना, एक होता है, एक मानक तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी आप जब काम करते हो तो उस दौरान आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक मानक के ऊपर आपने ब्लीच तैयार की हुई है, आपने एक्टिवेटर ज़्यादा मिला दिया तो जाहिर सी बात है कि वो अपने टाइम से पहले ब्लीच हो जाती है। और अगर आपने उसको 15 मिनट रखा, किसी में लिखा है 15 मिनट, और आपने एक्टिवेटर की मात्रा उसकी उसकी मात्रा से ना मिलाकर ज़्यादा मिलाया तो वो ब्लीच जल्दी हो जाएगी, तो आपको उसको जल्दी हटाना पड़ेगा, ना कि उसको 15 मिनट में। और अगर आपने उसकी मात्रा से कम रखा है तो अगर आपकी ब्लीच 15 मिनट में होनी है तो वो 15 मिनट से ज़्यादा भी समय लग सकता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था, उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ थी और उसके ऊपर शायद वो मेरी आगे पीछे की वीडियो उठाकर देख लेती तो हमें नहीं लगता कि उनको ये बोलने की ज़रूरत पड़ती कि इसको 2-4 मिनट रखा जाता है। मैं ब्लीच को लेकर इतनी जो भी वीडियो बनाई हूँ कभी कोई डाउट नहीं कि एकदम 100% श्योर हूँ मैं ब्लीच को लेकर, ठीक है। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको आपकी जानकारी सही है गलत है वो आप अपने तक रखिए, यहाँ पे शेयर करने की बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी अपने स्टूडेंट को बताती हूँ वो 100% श्योर होकर बताती हूँ और पूरी तरीके से जानकारी से भरा होता है, और पूरी तरीके से अगर वो कोई मांगे मुझसे तो लिखित प्रमाण दे सकते हैं कि हाँ इसका इतना होता है, ठीक है। मुझे उस दिन, क्योंकि मैं एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे कितनी भी जानकारी रहती है लेकिन मैं फिर भी उसको अच्छे से जब मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करती हूँ तो मैं खुद उसके लिए अपनी थ्योरी देख कर तब मैं शेयर करती हूँ ताकि मैं कहीं भी कोई मिस्टेक ना करूँ। बाय द वे, कभी मैं मेरे मुँह से मेरी ज़ुबान से गलत वर्ड निकल भी जाते हैं तो मैं उसको दूसरे दिन बोल देती हूँ कि कल की वीडियो में ये थी। वैसे फ़िलहाल कभी हुआ नहीं लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था कि जैसे था पहले ब्लशर लगाना है फिर हाईलाइटर लगाना, तो मेरे मुँह से निकल गया हाईलाइटर फिर ब्लशर, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने सेकेंड वीडियो में बताई अपनी स्टूडेंट को, नहीं पहले ब्लशर लगाना है फिर हाईलाइटर लास्ट में लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो जिन्होंने कमेंट किया था उन्हें समझ में आ गया होगा और मेरी स्टूडेंट जो है वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे, ठीक है। और बाकी मेरे स्टूडेंट से मेरी मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, शायद उनके प्यार की बदौलत है, उनके सपोर्ट की बदौलत है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आज तक मैं उनके साथ हूँ, मेरे साथ हैं, ठीक है। और अभी इसमें मेहंदी में कुछ बताने के लिए नहीं है, आप देख लीजिए। और मैं आपसे बस इतना बोलूँगी कि जब आप रियल काम कर रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी के साथ करो, कोई जल्दबाजी नहीं करो, कोई हड़बड़ाहट नहीं करो। अगर आप मेहंदी देख कर लगाते हो तो आपकी 50% फिनिशिंग आपकी मेहंदी देखने से लगाने से होती है, क्योंकि जब आप खुद याद कर करके लगाते हो ना तो डिज़ाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं पाते हो। और अगर आप देख कर लगाते हो तो फिर आपको सिर्फ उसकी फिनिशिंग पर ध्यान रखना होता है, ना कि डिज़ाइन क्या देनी है इसके ऊपर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप ब्राइडल को दो आप तो डिज़ाइन नहीं याद है, आप डिज़ाइन सामने रखो उसको लगाओ, तो इससे आपको सिर्फ उसको लगाना है, उसमें फिनिशिंग देनी है वो याद रखना होगा, ना कि डिज़ाइन, ठीक है। तो चलिए अब वॉइस मैं नहीं दूंगी, यहाँ पे मैं जो है म्यूजिक ऐड करूँगी और आप लोग पूरा देख लीजिए। और उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगी, जो हमने बताया उसको आप जो भी काम करेंगी उसके साथ ध्यान देंगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और बतानी थी, आज इनका ब्राइडल था, आज इनको रेडी करूँगी, अगर ये तैयार होती हैं तो इनका वीडियो शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्राइडल का। जल्दी से रियल ब्राइडल नहीं तैयार होती हैं जो है शूट करवाने के लिए, लेकिन कोशिश करूँगी कि जो है ये तैयार हो जाए तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कल इनकी मेहंदी थी, आज इनकी शादी है, बारात है, तो चलिए। तो मुझे थोड़ा सा टाइम कम है, जल्दी जाना होगा क्योंकि इनको टाइम्स थोड़ा रेडी करना है। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।